देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज हिंदुस्तान की आवाज, देश विदेश दुनिया की बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ अविर अग्निहोत्री। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सुर्खियों में। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, अगर केंद्र सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देती तो आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं भाजपा को समर्थन करूंगा। आइए जानते हैं क्या कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से। मुख्यमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब वो पिछली बार चुनाव में, दोनों चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी वोट मांगने आए थे, उन्होंने खुद दिल्ली के लोगों को वादा किया था कि वो पूर्ण दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली के लोगों ने खुल के बीजेपी को वोट दिया, सातों सीट दी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी इस वादे को भूल गए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं और दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है कि वो बताएं कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा उन्होंने अभी तक क्यों नहीं दिया। अगर वो दिल्ली के को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं लोकसभा चुनाव के पहले, तो दिल्ली की सारी जनता उनका समर्थन करेगी, हम उनका प्रचार करेंगे, दिल्ली के घर घर में जाके कहेंगे उनका साथ दो। लेकिन अगर उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, तो दिल्ली की जनता उनको कहेगी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली छोड़ो। तो लगातार देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज हिंदुस्तान की आवाज। नमस्कार।